बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े तो हुए, लेकिन बजट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। करीब 20 मिनट तक राहुल केवल कृषि सुधार कानूनों पर बोलते रहे, जिस पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ, लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सर मैं आ रहा हूँ बजट पे, मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूँ, मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ अभी, फाउंडेशन। संसद में बजट पर चल रही चर्चा राहुल गांधी के खड़े होते ही बंद हो गई और हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर बार बार राहुल को टोकते रहे, आप बजट पर चर्चा कर लें, बजट पे कर रहा हूँ सर, बजट पे आ रहा हूँ। लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री को रूल बुक से नियम पढ़कर सुनाना पड़ा और समझाना पड़ा कि बजट पर हो रही चर्चा में कुछ और बोलना नियमों के खिलाफ है। मंत्री बार बार उन्हें टोकते रहे, बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है, राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी। लेकिन राहुल पर फर्क नहीं पड़ा, पूरा भाषण वो ऐसे सुनाते रहे जैसे किसी जनसभा में भाषण दे रहे हो। आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ, आप आसन को संबोधित करें, पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य आप आसन को, हमारे दो मित्रों में से। यहाँ तक कि गुस्से से लाल राहुल अपनी दादी के दिए नारे का ही मजाक उड़ाने लगे, हम दो हमारे दो। वो आपको याद होगा वो फोटो होती थी चार, हम दो हमारे दो। ये नारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंख्या विस्फोट पर काबू करने के लिए दिया था। खुद राहुल के चाचा संजय गांधी ने उस वक्त इस अभियान को कामयाब बनाने में खूब दम लगाया था, लेकिन राहुल इसी नारे का मजाक बार बार उड़ाते रहे। ये किसकी सरकार है, हम दो हमारे दो। संसद भवन में राहुल टोका टाकी के बावजूद नहीं रुके, ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। करीब 20 मिनट किसान बिल पर बोलने के बाद राहुल ने बजट पर बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए।